मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर हमीरपुर के दौरे पर रहे। गृह क्षेत्र नादौन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जहां जनता की समस्याओं को सुना तो वहीं मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राहुल गांधी पर मानहानि मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में मानहानि के केस में पहली बार इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। बाद पहला ऐसा ये केस हुआ है जिसमें 2 साल की सजा हुई, आज तक कभी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है, वो भी मानहानि के मामले में। और मानहानि का मामला क्या होता है, जैसे मेरे प्रति कोई टिप्पणी की तो मैं उस पर कोर्ट में जाता हूँ। ये ऐसा मामला है जिसमें जिसके प्रति टिप्पणी की थी वो तो कोर्ट में गए नहीं, कोई तीसरा आदमी इसमें कोर्ट में जाकर 2 साल की सजा, वो भी मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है और जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो नेता है हमारे राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करते हैं और 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहना देते हैं। ये किस बात को इंगित करता है? ये इस बात को इंगित करता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो राहुल गांधी जी से घबरा कर इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर से नगर निगम चुनाव पर किए गए सवाल पर कहा गया कि अभी चुनाव की सिर्फ तारीख तय हुई है, जल्द इस पर चर्चा की जाएगी। चुनाव की तिथि घोषित हुई है, अभी जब तो चुनाव की लड़ाई में जिस भी दृष्टिकोण को हम उस समय प्रस्तुत करेंगे उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने आधिकारिक तौर पर पंचायतों के चुनावों की वजह से कोई उद्घाटन और शिलान्यास नहीं किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जरूर सुनी। सूरज समाचार के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।